एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना होगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, बहुत सारे हमारे जानकार पूछते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवाइजर कैसे बना जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवाइजर बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपसे 10 सीक्रेट शेयर करने वाला हूं, जो कि सीक्रेट नहीं है, ये उसकी सबसे खास बात है, पर उनको करना इतना आसान भी नहीं है। पर हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना क्यों है? देखिए, 30 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर भारत में काम करते हैं और हर साल 6 लाख से ज्यादा छोड़ देते हैं। इनमें से मोस्टली लोग 3 लाख रुपया भी साल का नहीं कमा पाते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। और बहुत सारे लोग टारगेट, कई जगह पे 12 पॉलिसी, कई जगह पे कुछ म्यूचुअल फंड, कई जगह पे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस का टारगेट है, वो भी पूरा नहीं कर पाते। और बहुत सारे गुरु हैं जो अपना रिक्रूटमेंट और मिनिमम पॉलिसी का टारगेट भी पूरा नहीं कर पाते, जो कोचेज हैं, एजेंसी मैनेजर है, CLIs। इनमें से बहुत सारे लोग इस बिजनेस को हेट भी करने लगे हैं, और अगर उनसे आप बात करें और मौका दें तो वो इस बिजनेस को छोड़ भी देंगे। दोस्तों, ये है लिस्ट। अगले आने वाले 10 सीक्रेट्स आपकी लाइफ को बदल सकते हैं अगर आप उनको समझे, और जो लास्ट सीक्रेट है वो सुपर्बली मैंने डाला है ताकि आप वहां तक पहुंचे और इनको इंप्लीमेंट करें। पहला, पावर ऑफ पर्पस, उद्देश्य की शक्ति। देखिए, हम जिस बिजनेस में हैं, अगर इस बिजनेस में हमें कोई भी गोल नहीं है, पर्पस नहीं है, और हम बिना पर्पस के लगे हुए हैं कि आज का कुछ हो जाए, कल का पता नहीं, तो इस बिजनेस को आगे बढ़ाना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर आप यहां देखें तो एक ऐसा पर्पस मैंने यहां डिफाइन किया है जो आपसे बड़ा है, जो आप 2023 से बियॉन्ड देख सकते हैं, जो आप इस महीने से, इस साल से, अगले आने वाले 5 सालों से बियॉन्ड देख सकते हैं। इतना बड़ा उद्देश्य लिखा है कि मैं इस व्यवसाय में परिवारों की मदद करने और वित्तीय नियोजन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन देकर भारत की सेवा में। अगर गोल बड़ा होगा तो हमारा माइंड और हमारा जो अचीवमेंट है वो भी बड़ा होगा। इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग गोल ही नहीं बनाते, और गोल बनाते हैं तो किसी मोटिवेशनल सेमिनार में बनाकर भूल जाते हैं। गोल बनाकर उसको फॉलो करना जरूरी है। गोल बनाइए और सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा। बहुत सारे लोग खुद पे भरोसा करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भरोसा करते हैं, वो भी गलत है, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा जब आप सही सेहत में हैं, सही अनुशासन में हैं, सही आपकी इच्छा शक्ति है, और आप वो करने को रेडी हैं जो बाकी लोग करने को रेडी नहीं है। जैसे आपने यूट्यूबर देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उनमें से एक यूट्यूबर है जो मुझे बहुत पसंद है, जो दौड़ने पे YouTube के वीडियो बनाते हैं, दौड़ते हैं वो डिफरेंट पोशाक में, डिफरेंट ड्रेसेस में, डिफरेंट शूज में, डिफरेंट लोकेशंस पे, और फास्ट दौड़ते हैं, क्योंकि दौड़ना आसान नहीं है, इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर वो नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका खुद का भरोसा आप पर जरूर होगा अगर आप वो करने को रेडी हैं जो कोई करने को रेडी नहीं है। और उसका पावर आपको मिलेगी डिसिप्लिन से, उसकी पावर आपको मिलेगी अपने लक्ष्य से। नंबर 3, इंटरनल मोटिवेशन, एंथुजियाज्म। अगर आप खुद से मोटिवेटेड नहीं हैं, तो बाहर का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, पर बार बार जाकर आपको पानी की तरह झाड़ देंगे। माफ कीजिएगा, पर आपने एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा जब एक डॉग को निला देते हैं या वो गीला हो जाता है, तो वो बाहर थोड़ा सा आगे जाकर अपने पानी को झाड़ देता है। उसी तरह से मोटिवेशन है, जो ऐसे ही ऊपर रहता है, अंदर नहीं जाता और झड़ जाता है। इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, इंटरनल उत्साह चाहिए। आप इंटरनली क्या बात करते हैं अपने आप से, इसी के लिए आपको कई बार गुरु की जरूरत पड़ती है। पर अगर मोटिवेशन इंटरनल है तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, और वो कहां से आएगा? वो आएगा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से, और वो आएगा आपके पर्पस से। अगर आपका पर्पस बड़ा है, बड़ी पिक्चर पे आप ध्यान दे गए, तो इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे, डिमोटिवेटेड नहीं होंगे। नंबर 4, इस बिजनेस को सीखिए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि शायद ये स्टार्ट करना आसान है। म्यूचुअल फंड, IC38 या जनरल इंश्योरेंस,
का आजकल एग्जाम भी के बगैर भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। अगर ये बिजनेस इतना आसान है स्टार्ट करना, तो इसकी रिस्पेक्ट भी कम होगी। जितना बिजनेस कठिन होता है स्टार्ट करना, उतनी ही रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। लॉयर, न्यूरोसर्जन, अगर आप इनकी कैटेगरीज देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि बनना आसान नहीं इसलिए रिस्पेक्ट अलग है। अगर आप इस बिजनेस में एक्सपर्टीज को नहीं बढ़ाते, ट्रेनिंग नहीं लेते, डेवलप नहीं करते, बहुत सारी चीजें नहीं सीखते और एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, और रिस्पेक्ट नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस होंगी। डेली बेसिस पे आपको ट्रेन करना है, और आज के युग में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं जहां आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। आप ये ऑडियोज वीडियोज सुन सकते हैं, कार ड्राइव करते हुए आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर अगर आप एक्सपर्ट नहीं है इस बिजनेस के, तो जल्दी ही आउट हो जाएंगे। नंबर फिफ्थ, प्रिपरेशन। यहाँ पे मैं भारत को 100 में से 10 मार्क्स देता हूँ, क्योंकि भारत में मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में प्रिपेयर ही नहीं करते। अब इस वीडियो को ही ले लीजिए, जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे आपको लग रहा होगा ये शायद मैंने एक ही बार बोला है, और मैं इस वक्त इस वीडियो को 16-17 बार बोल चुका हूँ। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आप प्रिपेयर्ड हैं। मान लीजिए आपको किसी कस्टमर को मिलने जाना है, मान लीजिए आपको किसी कंपटीशन से बात करने जाना है, मान लीजिए आपको कहीं प्रेजेंटेशन देने जाना है, अगर आपने वो प्रिपेयर नहीं की तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा, 50-50। प्रिपरेशन, वही सफलता क्या होती है, सफलता वही होती है जब प्रिपरेशन और एफर्ट मिलते हैं अपॉर्चुनिटी से, दैट्स कॉल्ड सक्सेस। आप अगर कस्टमर को कॉल करने से पहले, टेलीफोन करने से पहले, ट्रेनिंग में जाने से पहले, कस्टमर पे मिलने से पहले कोई भी प्रिपरेशन नहीं करते, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आपको प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन का और कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं उन्हीं की झोली में बड़े बड़े कस्टमर्स, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज और बड़ी बड़ी सफलता हासिल होती है। और जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है उनके झोली में कुछ नहीं हासिल होता, फिर तो उनको जो मिलेगा वो देखना पड़ेगा, वही लेना। सो प्रिपेरेशन। सिक्स्थ, इमेज। इमेज होती है दो, कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या लोग आपको ऑर्डिनरी एजेंट लेते हैं जो बाकी एजेंट्स की तरह फॉलोअप हो जाता है या चेप हो जाता है, क्या आपका रास्ता काटने लगते हैं लोग, आपको ब्लॉक करने लगते हैं, आपके व्हाट्सएप को ब्लॉक कर देते हैं, आपकी कॉल नहीं उठाते, या लोग आपके करेक्टर की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही ईमानदारी से लोगों के साथ काम करते हैं। वो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इमेज मार्केटिंग से आप गलत वाली पहले बना सकते हैं, पर थोड़े दिन बाद लोगों को सही इमेज पता चल जाएगी, इसलिए वो इमेज अंदर से आनी चाहिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप अपने आप को एक स्ट्रगलर, लूजर या एक विनर, और जो एक ना एक दिन जरूर अपना लक्ष्य हासिल करेगा, वो सोचते हैं। अगर आप अपने आप के बारे में अच्छा सोचते हैं तो लोगों को भी वही रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। मैं अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता हूं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लोगों की मदद कर रहा हूं, लोगों को अपग्रेड कर रहा हूं, इवन इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों की मदद कर रहा हूं, तो मेरी इमेज अपने मन में बहुत अच्छी है। और आपकी इमेज अपने मन में क्या है उसको ठीक करिए, बार बार दोहराइए और उसको सही कीजिए। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज बनाने का एक और तरीका है जो हमारा 7th पॉइंट है, वो है करेक्टर यानी चरित्र। मार्केट में आज क्या नहीं है, मार्केट में आज ईमानदारी नहीं है, मार्केट में ठगले और भगले ज्यादा है, और इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम हैं यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा है। जैसा आप जानते हैं कितनी सारी पॉलिसीज लैप्स हो जाती हैं, कितने सारे मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस लैप्स हो जाते हैं, कितने सारे म्यूचुअल फंड बाद में लोग रिन्यू नहीं करते, ये दर्शाता है कि लोग एक्चुअल में करेक्टर को सही नहीं मानते। इस करेक्टर को जो है फाइनेंशियल एडवाइजर, वो कैसे होगा, जब आप करेक्टर बनेंगे, अपना चरित्र रखेंगे कि मैं अपने आप को डेवलप करूंगा पर मैं एक सीधी लाइन पे चलूंगा, जो मेरे डूज एंड डोंट्स हैं उनको पूरी तरह 100% में से 100% टाइम फॉलो करूंगा, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा कि कस्टमर को पता नहीं है और मैं झूठ बोल दूं रिटर्न के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बेनिफिट के बारे में, नो। अगर आप स्ट्रांग करेक्टर बनाएंगे तो आपकी स्ट्रांग इमेज बनेगी, स्ट्रांग इमेज बनेगी तो आपकी मार्केटिंग
और आपकी जो सेलिंग है और सक्सेस है वो आसान होगी। वरना एक गलत इमेज, एक गलत करेक्टर को कितनी कोशिश कर लीजिए सही करने की, वो सही नहीं होता है। करेक्टर अंदर से आता है और उसके लिए वैल्यूज सही होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर आपके अंदर आपके गुरुओं ने या गलती से आपके पुराने जो साथी थे या सीनियर साथी थे ये इमेज डाली है कि कस्टमर को पता नहीं है, तुम जो मर्जी बोलोगे वो मान लेगा, ये आपको बदलना पड़ेगा। करेक्टर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब खुद सोचिए आप किस करेक्टर के लोगों से डील करना चाहेंगे, ईमानदार या ठगले या भगले। नंबर 8, सेल्फ डिसिप्लिन। फ्रीलांसर के जीवन में होता क्या है कि कोई भी उनको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करने वाला नहीं होता। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो आपके कोच और गुरु होते हैं, तो इस वजह से होता क्या है कि वो लोग अनुशासन यानी डिसिप्लिन उनकी लाइफ में कमी रहती है, और डिसिप्लिन की कमी होने की वजह से वो बहुत सारे अपने पोटेंशियल को, अपनी शक्ति को पूर्णतः यूज नहीं कर पाते। आज की बात कल पे, कल की बात परसों पे डालते रहते हैं। आपको डिसिप्लिन के लिए क्या करना है, एक तो डेली रूटीन बनाइए, डेली रिचुअल बनाइए, और एक चीता अपने पीछे छोड़ दीजिए। उसके दो तरीके, आप एक गुरु ले सकते हैं और एक कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हैं जहां पर बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे एक दूसरे को पुश करते हैं। उस पुश करने की वजह से ही, अगर आप देखें जिम में लोग एक दूसरे को पुश करते हैं, लोग बिना बोले भी एक दूसरे को देखते हैं और पुश हो जाते हैं, एक जिम का ट्रेनर भी पुश करता है। उसी वजह से लोग जल्दी हेल्दी हो जाते हैं जो जिम जाते हैं, जो नहीं जाते उनके कंपैरिजन में, जो खुद से एक्सरसाइज करते हैं उनके कंपैरिजन में। क्योंकि जो खुद से एक्सरसाइज करता है, आज मूड नहीं है तो नहीं करूंगा, आज लेट उठा था नहीं करता हूं, आज ये खाना है तो खा लेता हूं। जो कम्युनिटी का पार्ट होता है जहां पर पूछा जाता है, जहां बताया जाता है, वहां पर सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा होता है। तो बिकम ए पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी, अपने पीछे कुछ चीता छोड़िए। मैंने इस वीडियो के नीचे एक एक्सेल का लिंक दिया है जिसमें आप अपना डेली कैलेंडर प्लान कर सकते हैं, और ये डेली कैलेंडर आपको हेल्प करेगा अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करने की। तो इन एक्टिविटीज को जब आप ट्रैक करेंगे तो वीक के बाद या महीने के बाद बैठ के देख सकते हैं कि आपने कहां टाइम वेस्ट किया और कहां पे आपको लगाना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन का ये सबसे बड़ा आपका स्टार्ट। 9th, डिमांड हाई रिजल्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ। अगर आप अपने आप से ज्यादा रिजल्ट नहीं मांगते हो, अपने आप को पुश नहीं करते हो, तो आपको कोई पुश नहीं कर सकता। अपने आप को पुश करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्रीलांसर के जीवन में बहुत सारा अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है जो यूज नहीं होता। जो लोग जॉब जाते हैं उनके बॉसेस होते हैं, बॉसेस के बॉसेस होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको पुश कर रहे होते हैं और उनसे हाई डिमांड ऑफ रिजल्ट करते हैं। फ्रीलांसर के लिए हाई डिमांड ऑफ रिजल्ट इतना आसान नहीं है क्योंकि उनको खुद से करना है। इसके लिए अपना एक रूटीन बनाएं और आप अपनी कम्युनिटी में भी इसका यूज कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को बोल सकते हैं, वो भी आपसे हाई डिमांड रख सकते हैं। अगर आप अपने आप से हाई डिमांड नहीं रखेंगे तो आपके रिजल्ट्स और आपके पोटेंशियल कभी मैच नहीं करेंगे। यानी आपको नहीं पता होगा आप संभावित क्या कर सकते थे और एक्चुअल में हुआ क्या। हो सकता है आप कर सकते थे 500 कस्टमर एक महीने में, पर आपने किए 100, पर आप 100 से ही खुश हैं। So always demand high results from yourself. 10th, last but not the least, self-reliance, यानी के self-independence, यानी के आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर डिपेंड रहना दूसरों की बजाय। भारत में इसमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है बचपन से ही, गलत एजुकेशन। बच्चे माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, हर चीज वो माँ बाप से कराते हैं, माँ बाप भी बच्चों की चीजें करके खुश होते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस नहीं देते हैं। उसके बाद यही बच्चे जाकर जॉब में चले जाते हैं जहां ये कंपनीज पे और बॉसेस पे डिपेंड होते हैं, और वही फिर माँ बाप बन जाते हैं और सेम साइकिल चलता रहता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप जापानीज बच्चों को देखें, अगर आप कोरियन बच्चों को देखें, अगर आप इवन अमेरिकन बच्चों को देखें, वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है। मेरी डॉटर है, मैंने उसको अभी, वो 14 वर्ष की है, पर वो प्लेन से, ट्रेन से, बस से खुद अकेले यात्रा कर चुकी है। हम उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश करें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की। उसके लिए आपको अपने आप को डेवलप करना होगा। सीखिए सोशल मीडिया, सीखिए मार्केटिंग, सीखिए प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, कैसे कोटेशन निकलती है, कैसे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस यूज होती हैं। अपने आप को ट्रेन कीजिए। जो लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं वही ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं।
वरना सेल्फ रिलायंस नहीं हुए तो आप बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट रहेंगे। अब हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार डिटेल में सिखाते हैं कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, कैसे बैनर बनता है, कैसे वीडियो बनता है, पर उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वो क्या करते हैं, उस लर्निंग को लेते हैं, उस रिकॉर्डिंग को लेते हैं और शुरू हो जाते हैं, और जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होता है वो छोड़ते नहीं है। ये होता है सेल्फ रिलायंस और ये होता है मिशन इम्पॉसिबल को फॉलो करना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बस हमसे चीजें मांगते रहते हैं। अगर हम चीजें ही डेवलप करते रहेंगे तो हम डेवलप होंगे, आप नहीं। सेल्फ रिलायंस बनिए और इन 10 सूत्रों को यूज कीजिए। याद रखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाने के लिए आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा कुछ, वरना एक टिपिकल मिडिल क्लास की तरह हम आए थे और टिपिकल मिडिल क्लास में चले जाएंगे और पीछे जाने वाले भी हमें याद नहीं रखेंगे और हो सकता है 2 गालियां और दें। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, हम आपको अपनी कम्युनिटी में वेलकम करते हैं। आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल एडवाइजर की जर्नी शुरू कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार, एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज डू शेयर विद योर फेलो फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अपने साथी फाइनेंशियल एडवाइजर से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वेबिनार में। आप बहुत अच्छे बने और आप बहुत बहुत ग्रो करें, यही हमारी आशा है, शुभकामना है। धन्यवाद।